सबसे बड़ा मुकाबला, सबसे बड़ा मैदान। जी हां, बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ सुदीप राजपूत। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का आज 12वां मुकाबला भारत अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से खेलने नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में उतरेगा। भारत पाकिस्तान के बीच में, यानी कि भारत अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ इस मुकाबले में उतरेगा। और आप देख रहे होंगे कि तैयारियां कितने जोरों पर है, कितने जोरों पर है, जो पब्लिक जा रही किस तरीके शोर शराबे कर रही है, जीतेगा भाई, जीतेगा इंडिया, जीतेगा, लगातार वहां पर उद्घोष हो रहा है। और जिस तरीके से आप देखेंगे टीम इंडिया के जो प्लेयर हैं वो लगातार इस मैच को लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहे थे। वही आपको ये भी बता दें कि भारत की जनता जो है वो हर तरह से तैयार हो चुकी है, और कहा जा रहा है कि जो यहाँ पे पूजा अर्चना भी चालू हो गई है कि भारत की जीत के लिए जो साधु संत है वो भी पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं कि इस बार जीत भारत की ही होगी। वही आपको ये भी बता दें सुदीप कि अनुष्का शर्मा, स्टारर बल्लेबाज विराट कोहली की पत्नी, टीम भारत को सपोर्ट करने के लिए अहमदाबाद स्टेडियम पहुंच चुके हैं। और ऐसे में जो जनता है वो विराट कोहली से काफी ज्यादा उम्मीद लगाई हुई बैठी है कि इस बार विराट कोहली कोई चमत्कार करेंगे और सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो क्या लगता है सुदीप, कितने तैयार है विराट कोहली? देखिए, क्रिकेट में जब पाकिस्तान की बात होती है, पाकिस्तान में जब विराट कोहली की बात होती है ना, तो क्रिकेट का रोमांच कुछ और बढ़ जाता है। आपको याद होगा जिस तरीके से 2012 में मीरपुर में विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ शानदार 183 रन की पारी खेली थी, और वो 183 रन उनका अभी तक सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। आप देखेंगे 2011 वर्ल्ड कप में भी विराट कोहली ने 50 रन मारे थे पाकिस्तान के खिलाफ। आप यानी कि उनके रिकॉर्ड को जब देखेंगे, 15 बार अपने बल्ले के साथ मैदान पर उतरे हुए पाकिस्तान के खिलाफ, इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक और 2 अर्धशतक निकले हैं। विराट कोहली ने कभी भी अपने प्रशंसकों को निराश नहीं किया, खास करके पाकिस्तान के खिलाफ। और ऐसा माना जाता है कि विराट कोहली का बल्ला जो है ना वो बढ़ चढ़ कर बोलता जब बात पाकिस्तान की होती है। यानी कि अभी देखेंगे एशिया कप में भी विराट कोहली के बल्ले से शतक निकला था, तो नो डाउट विराट कोहली अच्छा खेलेंगे, विराट कोहली सबसे उम्मीद है। लेकिन इस मैच में जिस तरीके सबके निगाहें टिके हैं शुभमन गिल के ऊपर। जी बिल्कुल सुदीप, लेकिन जो भारत की जनता है उनकी भी निगाहें शुभमन गिल पर टिकी हैं कि क्या वो इस बार इस महामुकाबले का साथ देंगे, क्या इस बार वो कोई रन खेल सकते, क्या मैच में वो आ सकते हैं। मतलब क्या लगता है सुदीप, क्या शुभमन गिल इस बार ये मैच खेल पाएंगे? देखिए, जब शाम को रोहित शर्मा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने साफ तौर से कहा कि शुभमन गिल को 99% चांस है खेलने की। रीजन अहमदाबाद यानी कि जो मैच हो रहा है गुजरात की तरफ से शुभमन गिल खेलते हैं, और इसी साल आप देखेंगे उठाकर T20 में, वनडे में, टेस्ट में धुआंधार शतक उनके बैट से निकले हैं। इतना ही नहीं, जिस ग्राउंड पर मैच हो रहा है, क्रिकेट की जो मैच हो रहा है, माकुम हो रहा है, उस मैदान पर शुभमन गिल का रिकॉर्ड बहुत शानदार है। और 2023 में वर्ल्ड के पहले बैट्समैन है जो सबसे ज्यादा रन बनाया है, यानी कि 20 मैच समथिंग 1200 के ऊपर रन बनाए हैं। और ऐसे में कयास लगाया जा रहा है अगर शुभमन गिल इस मैच में की वापसी होती है तो टीम इंडिया को काफी ना काफी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मजबूती मिलेगी। टीम इंडिया को आने वाले मैचों के लिए बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से आप देखेंगे ईशान किशन को खिलाया गया था शुभमन गिल की जगह पे, पहले मैच में फ्लॉप रहे, 0 पर आउट हुए, हालांकि दूसरे मैच उन्होंने कुछ बेहतरीन शॉट्स मारे, लगभग 45 रन बनाए। तो नो डाउट अगर शुभमन गिल डेंगू के चलते पूरी तरीके से फिट होते हैं तो इस मैच में उनकी वापसी होनी बिल्कुल तय है। अच्छा सुदीप, एक सवाल मेरा और है, और सभी का सवाल ये हो सकता है कि इस बार ये जो महामुकाबला हो रहा है इसका गेम चेंजर जो प्लेयर है वो कौन हो सकता है, क्योंकि लोगों की निगाहें विराट कोहली पे भी टिकी है, शुभमन गिल पर भी टिकी है कि वो भी खेल सकते हैं, तो ऐसे में गेम चेंजर प्लेयर कौन हो सकता है? देखिए, नो डाउट हम लोग इस बात को बिल्कुल नहीं भूल सकते कि हम बात करते हैं विराट कोहली की, हम बात करते हैं रोहित शर्मा की, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग भूल जाते हैं KL राहुल की। अब देखेंगे एशिया कप में उन्होंने भी शानदार शतक की पारी खेली थी, वो भी 6 महीने बाद क्रिकेट में वापसी करते हैं। हम बात करते हैं जिस तरीके से हम भूल जाते हैं बुमराह को, बुमराह अपने गेंदबाजी से बढ़िया प्रदर्शन कर सकते हैं। और उस मैच में हम तो ये कहेंगे कि शार्दुल ठाकुर की जगह आज मोहम्मद शमी खिलाना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरीके से शार्दुल ठाकुर की जगह अगर मोहम्मद शमी का मौका मिलता है तो वो मोहम्मद शमी जो अभी बीते साल आपके यहाँ IPL हुआ, उस IPL मैच में उन्होंने 17 मैचों में 27 विकेट निकाले, और खास करके जो उनके 9 मैचों में 17 विकेट आए हैं वो 9 मैचों में 17 विकेट उनके आए हैं केवल अहमदाबाद के स्टेडियम पर। तो इस मैच में अगर कहीं ना कहीं गेम चेंजर की बात करें तो मेरे हिसाब से KL राहुल गेम चेंजर होने वाले हैं। जी, और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अहमदाबाद का जो क्रिकेट पिच है वो माना जाता है कि भारतीय क्रिकेट के लिए, क्रिकेटर के लिए खास तौर पर वो काफी वरदानी माना जाता है कि वहां पर छक्के चौके बड़े जम के लगते हैं, तो क्या लग रहा है कि इस बार अहमदाबाद का जो क्रिकेट स्टेडियम है वो भारतीय टीम के लिए आशीर्वाद बन सकता है? आशीर्वाद बन सकता है। देखिए, जो होम कंडीशन चीजें होती है ना, यानी जैसे अपने घर में जब आप मैच खेल रहे हो
और जो वहां पर पब्लिक पहुंचती, पब्लिक थोड़ी मोड़ी नहीं पहुंचेंगी, 1,30,000 वहां पर दर्शक दीर्घा में बैठने की क्षमता है। और आप सोचिए जब 1,30,000 की लगातार आवाज आएगी, जीतेगा भाई जीतेगा, आप इंडिया जीतेगा, तो उस समय जो खिलाड़ी रहेंगे उनका उत्साहवर्धन जब होगा तो उनकी उस समय आप ये कह सकते हैं मनोधारणा क्या रहेगी, विचारधारा क्या रहेगी। वो होता नहीं कि एकदम पूरी तरीके से शेर की तरह झपट्टा इंसान मारे, उस तरीके साथ शेर की तरह टीम इंडिया पाकिस्तान पे झपट्टा मारेगी। और जो रिकॉर्ड अभी तक टीम इंडिया की लगातार 7 मैच वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने उनको हराया है, आज ये रिकॉर्ड 8-0 पर जाकर समाप्त होगा। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि पिछले बार जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ था तो टीवी फूटे थे, मोबाइल फोन टूटे थे। इस बार क्या लगता है, अगर इंडिया जीत गई और पाकिस्तान हार गया तो क्या होगा? क्या घर टूटेंगे, क्या फ्रिज मशीनें सब कुछ टूट जाएंगे? हम तो साफ तौर से कहते हैं कि सारे काम छोड़ दो, टीवी खोल लो और इंडिया पाकिस्तान का मैच देखो जाके। दिवाली से कम नहीं है भाई, इंडिया पाकिस्तान का जो मैच होता है वो हमारे यहाँ के त्योहारों से भी ज्यादा प्रिय माना जाता है। जो जनता है वो सारे काम धंधे छोड़ करके टीवी पे एक टकी लगा के बैठी होती है कि कब विराट कोहली के बल्ले से छक्के चौके लगे और कब भारत की जीत हो जाए। बिल्कुल, क्यों ना। देखिए जिस तरीके से शाहीन अफरीदी आते हैं, उन्होंने कल कहा कि हम आपकी 5 विकेट लेंगे। बाबू मैदान पे आओ, जब लगेगा चौके छक्के तब समझ नहीं पाओगे 5 विकेट लेंगे कि 5 छक्के पड़ेंगे एक ओवर में। विराट कोहली फुल फॉर्म में है, रोहित शर्मा ने दिखाई दिया आपको जिस तरीके से उन्होंने गेम खेला शानदार, सबसे तेज विश्व कप में शतक लगाने वाले भारत के बल्लेबाज बन गए। तो उनसे तो खुद ही आप बात करेंगे रोहित शर्मा खुद ही पाकिस्तान खौफ में है कि भैया कब मारने लगे दना दानी उठा के। सबसे ज्यादा छक्के लगाने मामले में वो क्रिकेट रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। बिल्कुल सुदीप, वही आपको ये भी बता दें कि भारतीय क्रिकेटर को सपोर्ट करने के लिए जो क्रिकेट के भारतीय क्रिकेट के माने जाते हैं महागुरु सचिन तेंदुलकर भी पहुंच चुके हैं अहमदाबाद, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में जो भारतीय टीम है उनका मनोबल और भी ज्यादा बढ़ गया। तो अब मान लेते हैं, हम सभी मान लेते हैं कि भारत की जीत तो पक्की है भाई, तो पाकिस्तान हारने वाला है, टीवी फूटता है, फोन फूटता है, क्या कुछ टूटता है, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। बिल्कुल दिलचस्प होगा, लेकिन हमको कहीं ना कहीं पाकिस्तान की टीम को कम नहीं आंकना चाहिए जी। उनके पास भी बेहतरीन बॉलर हैं, बेहतरीन बैट्समैन उनके पास हैं, खुर्दीन शाह उनके पास जिस तरीके से बेहतरीन फॉर्म में है, अब्दुल्ला अशफाक जिस तरीके से बेहतरीन फॉर्म में है, मोहम्मद रिजवान ने आपको बेहतरीन रन बना कर दिए, जिस तरीके से हसन अली की वापसी होती है उन्होंने बढ़िया रन बनाए, तो ये मैच कहीं ना कहीं बहुत कांटे का होगा और काफी टक्कर देखने मिलेगी। चाहे विराट कोहली की बात कर ले, चाहे बाबर आजम की बात कर ले, चाहे रोहित शर्मा की बात कर ले, चाहे मोहम्मद रिजवान की बात कर ले, चाहे बुमराह की बात कर ले या चाहे हसन अली की बात कर ले। तो बने रहिए आप लोग न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ, क्योंकि हम आपको वर्ल्ड कप की पल पल की अपडेट पहुंचाते रहेंगे। जी बिल्कुल, और आपको बता दें कि सभी काम धंधे को अपने साइड में कर दीजिए और भारत पाकिस्तान का ये जो महामुकाबला है इसको देखना बिल्कुल भी ना भूले, साथ ही न्यूज वर्ल्ड इंडिया में देखिए क्योंकि हम आपको हर एक जानकारी देंगे। आपको बता दें इस बार कांटे की टक्कर होने वाली है, काफी खौफनाक मैच होने वाला है, लेकिन जीत भारत की होगी ये हम आपको जरूर बता सकते हैं। तो बने रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया के साथ तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद धन्यवाद।